हेलो दोस्तों, हमारे साथ ललित भंडारी जी हैं जो कि भोजपुरी के बहुत बड़े एक्टर हैं और मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूं। तो मैं चाहता था इनके बारे में कुछ जानना और दर्शकों को मतलब अपने तरफ से मैसेज मतलब इनके थ्रू पहुंचाना चाहते हैं कि वो दर्शकों को क्या बोलते हैं, मतलब आज के टाइम में उनके जीवनी से कुछ जानते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए, और क्योंकि बहुत सारे मूवी में उन्होंने काम किया है और वो मूवी सुपर डुपर हिट, बहुत सारा मूवी सुपर डुपर हिट, और उन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ा है उस जो मूवी में उन्होंने काम किया है। तो ललित भंडारी जी से सुनते हैं उनके लाइफ के जर्नी के बारे में। हाँ ललित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं नमस्कार, ठीक नमस्कार। हूँ, हाँ अच्छा हूँ। हाँ हाँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए, आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए सर, और मतलब आपका कैसे मतलब बहुत सारा और भी ऑप्शन था आपके पास, और आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए और कैसे आपने अपने आप को आगे बढ़ाया, कैसे क्या किया? इंडस्ट्री में आना मेरा एक महासहयोगी है कि हाँ इसके पहले मैं जॉब करता था एटीपीसी में, हाँ और ये तो कुछ भी आप मान लीजिए मैं पाया वहां पर, क्योंकि कुछ कहानी होती है कि एक लाइन छूटती है तो दूसरी लाइन मिलती है, तो हाँ ज्यादा उस कहानी के बीच में ना जा करके मैं इतना ही कहूंगा, मैं नियोग था इंडस्ट्री में, है ना। वैसे जब मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मैं थिएटर करता था, जैसे कि स्कूल में ड्रामा वगैरह होते थे, थिएटर वगैरह होते थे, तो उसमें मैं जब नाटक खेलता था तो स्कूल में टीचर तो और यहाँ तक कि जो हमारे आर्ट टीचर थे उन्होंने लिखा कि बेटा उस फिल्मों में देखो जाकर के तो फिल्मों में आने के लिए एक जो थिंकिंग है जो हमारे यहाँ कोई गॉडफादर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ, तो मेरा कोई गॉडफादर तो है नहीं। तो एक शिवगढ़ में लखनऊ के बगल में लाइब्रेरी और मिश्रा जी एक फिल्म लेकर के आए थे गांधीगिरी, मैं उनके पास गया, हमने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई ललित जी, इसमें तो काम नहीं मिल सकता है क्योंकि कास्टिंग पूरी हो चुकी है, और अभी फिर हम लेकर के आएंगे तो उसमें काम हम जरूर देंगे आपको। तो उसमें क्या बताऊं, मुझे तकलीफ हो रहा है। ओमपुरी जी हमारी बातों को बगल में सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से बुलाया, बड़े प्यार से बुलाया कि ना बेटा क्या बात है। हमने उनको अपनी बात बताई, तो सुनो जैसे उन्होंने कहा कि देख लीजिए अच्छा लड़का है और सीधा लगता है, कहीं कहीं एडजस्ट एक दो सीन का कुछ जो भी सीन हो तो उसको देख लो अगर हो तो। खैर उन्होंने कहा कि कल आइए, मैं कल गया शुगर, तो वहां कहा कि ऐसा है कि पंडित जी एक सीन है, अगर आप चाहो तो कर लो, क्योंकि अभिषेक जी उस समय एक सीन मिलना मेरे लिए, तो आप सोच ही सकते हैं कि जो आर्टिस्ट को एक सीन, मैं इसके पहले मैंने सुन रखा था कि मुंबई में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हाँ एक हाँ एक हाँ सीन के लिए, एक एक सही सीन के लिए है, तो सालों दसियों साल वहां पर लोग स्ट्रगल करते हैं, एक सीन भी नहीं मिल पाता है। सही बात है। मैंने सोचा कि राजनी में घर पर बैठे अगर एक सीन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने उसमें काम किया। मेरे काम की तारीफ को ओमप्री साहब ने इतनी ज्यादा तारीफ की कि ये हौसला होता है, अंदर से हौसला होता है अगर कोई कोई तारीफ कर दे नहीं बहुत अच्छा सीन किया तो। लेकिन अब दुर्भाग्य कहा जाए,
अक्षय जी एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि वो सीन एडिटिंग में मेरा कट गया। फिर उसके बाद दो ढाई ढाई महीने बाद फिल्म धर्म के सौदागर भोजपुरी लेकर के आए रवि की जी धर्म के सौदागर। हाँ धर्म के सौदागर सही है। आपकी आवाज आवाज और वीडियो सही ढंग से नहीं आ रही है, क्या बाहर आएंगे ऐसे जगह पर आएंगे जहाँ नेटवर्क अच्छा है? मैं देखता हूँ कहीं पर ऐसा जगह जहाँ पर नेटवर्क अच्छा है वहां से, क्योंकि आपका मतलब आवाज कट कट के आ रहा है। अब कैसा आ रहा है? अभी भी दिक्कत है थोड़ा, मतलब दिक्कत है। ऐसा ऐसा जगह बाहर जहाँ पर थोड़ा सिग्नल अच्छा हो, घर के अंदर अभी सिग्नल नहीं आता है, मे बी आप ऐसा जगह जहाँ पर थोड़ा सिग्नल अच्छा आता हो। सिग्नल असल में यहाँ गाँव में है ना मामला भैया। हाँ हाँ गाँव बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बेटर है, यहाँ पर बेटर है, यहाँ पर बेटर है एक्चुअली। यहाँ पर ठीक है। हाँ ये जगह ठीक है, ये जगह ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ बोलिए बोलिए प्लीज स्टार्ट करें। हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। तो जब धर्म के सौदागर में मैं गया तो खैर उन्होंने हमारे लिए जगह रखी थी, तो उसमें एक होता है हर फिल्म में कैची करने वाले लोग होते हैं। सही बात है। तो जो पहला सीन मैंने दिया तो सुनो जी ने कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छा सीन है आपका। इस तरीके से मिला करके हमारे चार सीन थे और चारों सीन मेरे बहुत अच्छे गए, बहुत ही अच्छे परफेक्ट गए। उसके बाद फिर फिल्मों का सिलसिला, गुरु महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद कि फिल्मों का सिलसिला निरंतर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कुछ फिल्में मेरी रिलीज हुई, कुछ फिल्में आधी अधूरी शूटिंग में रह गई, कुछ सेंसर नहीं हुई, कुछ रिलीज नहीं हुई। तो इस तरीके से मेरा सिलसिला गुरु महाराज जी का आशीर्वाद ही कहेंगे कि उनका पंजा मेरी पीठ पर है और निरंतर आप लोगों का सहयोग है, निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऑडियंस पसंद कर रहा मुझे, बस यही सब चीजें हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी, मतलब क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत का जर्नी लोग मतलब पहला पहला सीन में ही मतलब ऐसा लगा कि मतलब आपका सपना जैसे सच हो गया, लेकिन वो चकनाचूर हो गया सपना क्योंकि पिक्चर में से एडिट हो गया, वो चला गया बाहर चला गया, क्योंकि एडिटिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो उसके बाद आपने मतलब कुछ ट्रेनिंग लिया था, मतलब आपने आगे बढ़ने के लिए पिक्चर लाइन में आगे बढ़ने के लिए फिल्म लाइन में? आपने नहीं कोई खास ट्रेनिंग नहीं, लेकिन हाँ ये है कि थिएटर में लखनऊ में ज्वाइन करता था। थिएटर में लखनऊ में ज्वाइन किया? हाँ थिएटर में मैं ज्वाइन करता था, जब प्ले करने का मौका मिलता था प्ले करता था। उसके बावजूद भी जो थिएटर के मुझसे सीनियर लोग थे उनके घर में जाता था और एक्टिंग की टिप्स सीखता था उनसे। नहीं नहीं बहुत जरूरी है। लोग अरे आप क्या पंडित जी तुम ये आ गए, अरे सर पांच मिनट का समय दे दिया, सिर्फ पांच मिनट का। तो मैं स्क्रिप्ट लिख करके जाता था, उसको उसको पढ़ते थे, मैं उसमें बॉडी लैंग्वेज और फेस का कैसे एक्टिविटीज होती है, इंटरेस्ट कैसा होता है, तो मैं सीखा। तो ये ऐसी इसी तरीके तरीके से मैंने सीख लिया और मैंने विशेष ये नहीं किया कि एनएसडी वगैरह से मैंने डिप्लोमा किया है। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, मतलब रियल लाइफ आप जो सीखते हैं, जो रियल लाइफ लोगों से मेंटर से सीखते हैं वो बहुत जरूरी होता है, वो बहुत जरूरी होता है, वो लाइफ में मतलब आपको काफी आगे ले जाता है। क्योंकि रियल जो जो कॉलेज का एजुकेशन होता है वो आपको एक जीवनी देता है, लेकिन जो रियल लाइफ लोगों से आप सीखते हैं वो आपको सही में मोमेंटम देता है लाइफ में। जी जी। तो उसके बाद आपका मतलब जर्नी कैसे वहां से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आपने अपने आप को कैसे बिजी कैसे रखा? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि अपने आप को बिजी रखना, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, किस तरह से कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा? नहीं ये तो है ही, फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम देता है कोई नहीं देता है, लेकिन अब कहते हैं ना कि संपर्क, मतलब एक पत्थर में अगर उंगली घिसते रहो तो दाग लग जाता है। अभी सपोज दैट आप डायरेक्टर हो तो मैं आपके पास फोन करूं, सर मुझे काम चाहिए मुझे काम चाहिए, अच्छा ठीक है अपनी प्रोफाइल भेजो अपना ऑडिशन वीडियो भेजो, तो मैं भेजता रहता हूँ। तो अब मतलब डायरेक्टर्स लोगों की महानता है और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, सिलेक्ट हो जाता हूँ। और हाँ सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये होती है कि भोजपुरी में डायरेक्टर्स लोग पूछते हैं कि आप कितना लेंगे,
मतलब फीस कितनी लेंगे? ओ पैसा 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 सबसे चीज तो मैंने रखता पैसा, आप पैसा कितना लेंगे? सही, सही, मैं बोल देता हूँ कि आप मेरी एक्टिंग को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, और जैसा आपको समझ में आए तो आप काम दीजिएगा, पैसा दीजिएगा। तो अभी एक 2017 में एक मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 फिल्म किया था झारखंड के एक गिरडी में, और उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर रोधी सिन्हा जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ललित जी, फिल्म तो भोजपुरी है लेकिन जो आपको एक्ट करना है वो साउथ के हिसाब से करना है। ओके ओके हाँ, अरे बहुत बहुत ही मतलब डेंजरस कह लीजिए, डॉक्टर रोबिन सिन्हा जी बहुत ही डेंजरस, क्योंकि वो 240 थिएटर का प्ले कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। एक एक महीन एक एक चीज में वो ध्यान रखते हैं कि मेरा एक्टर कैसे एक्ट करता है। तो उन्होंने बोल दिया कि देखिए ललित जी, हमको साउथ के एक्शन साउथ का होना चाहिए, लैंग्वेज भोजपुरी है। कोई बात नहीं सर, देंगे। तो मेरा पहला और मेरे से ही सीन फिल्म स्टार्ट हो रही। पहला मतलब सीन ही आपका था, पहला से ही सीन ही था आपका। मेरे से ही फिल्म स्टार्ट हो रही है। तो गांव में गए तो बुलेरो में हमको बैठा दिया, कहा कि इस हिसाब से आपको देना है, अब कैसे देना आप जानो, स्क्रिप्ट दे दिया कैसे देना आप जानो, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अच्छी बात, मैंने दिया। तो ये सब ऊपर वाले का ही है कि उन्होंने बिल्कुल जैसे सीन टेक ऑफ हुआ बिल्कुल भिक्षा लिए हमको, नहीं बहुत मैं ऐसे ही चाहता, मैं ऐसे ही चाहता। तो उसके बाद हमारी फिल्म जो है कि सुपर हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई। उस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। और इसी के बाद फिर सैया सुपर स्टार में प्रेमराज साहब का फोन गया, जैसे मैं वहां से शूट होकर के आया घर बैठा, और दूसरे दिन फोन आ गया प्रेमराज सर का कि ललित जी मेरी फिल्म है सैया सुपर स्टार, बनारस में शूट हो, वहां गया। उसके बाद फिर जमाई राजा किया, बहुत फिल्म हिट हुआ है, बहुत बड़ा हिट हुआ। हाँ, इसमें गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है। अभी 1 मार्च को मुझे बेस्ट सपोर्टिंग विलन का कह लीजिए मुझे अवार्ड मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मुझे अवार्ड किया जा रहा था तो मेरी फिल्म को वहां पर 2 से 3 मिनट मेरी स्क्रिप्ट दिखाई गई, पूरा दिखाया गया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया दिखाया गया, और 150 से 2000 वहां पर ऑडियंस था, सब लोग थे, और ताड़ी बजा करके मेरा उत्साह वर्धन किया गया। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, और कुछ नहीं, अच्छा लगता है। इसी तरीके से और भी हमारी बॉलीवुड की फिल्में हैं, इसी कोरोना के चक्कर में रह गई हमारी बॉलीवुड की 4 फिल्में हैं, और अच्छे बजट की फिल्में, बिग बजट की फिल्में हैं, मैंने एग्रीमेंट किया है, साइन किया है, तो शूट होनी थी, और इस समय हमारी फिल्म शूट ही हो रही होती, लेकिन अब हाँ, लेकिन अब यह है कि कोरोना आ गया, इसकी वजह से सभी फिल्में मुझे लगता है सब सितंबर से स्टार्ट। अच्छा अच्छा ललित जी, आपसे एक चीज पूछना था कि आप इतना सिंपल कैसे, इतने बड़े स्टार होके इतना सीधा, मतलब आपका स्वभाव डाउन टू द अर्थ है, और इतना अच्छे अच्छे पिक्चर में आपने काम किया, लेकिन आपका आपका फेवरेट पिक्चर कौन सा है, आपका अपना फेवरेट पिक्चर कौन सा है? देखिए ऐसा है कि एक एक्टर के लिए तो सभी फेवरेट पिक्चरें होती हैं। हाँ। जो भी एक्टर होता है, जिस फिल्म में काम करता है, हाँ। इस हिसाब से काम करता है कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो मेरे लिए तो जितने फिल्में मैंने की हैं सभी फेवरेट। एक्टर आपका फेवरेट एक्टर? अब ऐसा प्रश्न बोल दिया है कि जो आप मतलब अब देखिए फेवरेट एक्टर जिसको महानायक कहा जाता है, माननीय दिग्विजय जी, माननीय अमिताभ बच्चन जी, वो हमारे फेवरेट हैं। फेवरेट एक्ट्रेस इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, मतलब जैसे कि कोई भी जब फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो वो चाहता है कि हीरो बने, मतलब पिक्चर में हीरो बने, उसके इर्द गिर्द पूरा पिक्चर चले। तो आप ऐसा कौन से डायरेक्टर को चाहते थे जो आपको लेके आपको एज ए हीरो कास्ट,
मतलब पिक्चर बनाया है, और उसमें हीरोइन कौन से हीरोइन को चाहते थे आपकी वो पिक्चर में आपके साथ मतलब लीड एक्ट्रेस? देखिए जी, ये हमारा कोई एक पर्टिकुलर हीरोइन का वो नहीं होता है, क्योंकि मैं सपोर्टिंग में रहता हूँ एज ए विलन, मैं विलन करता हूँ, तो हीरोइन कोई भी हो बस ठीक ठाक हो। और देखिए जब फिल्मों में कोई भी एक्टर काम पाता है तो स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही सीखते रहता, जैसे मैं सीख ही रहा हूँ, बड़ा स्टार नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ एक एक पॉइंट। इतने बड़े पिक्चर में काम करने के बाद अपने इतने बड़े मतलब सुपर हिट डुपर डुपर जो जिसका सपना होता है उस तरह के मूवी में आपने काम किया है, आप ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार हैं, और दूसरा चीज है कि आप मतलब अपने आप को हमेशा इस मोड में रखते हैं कि हमको कुछ सीखना है नया सीखना है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये होता है कि लोग मतलब जहां भी एक कहावत है जैसे अमिताभ बच्चन जी का ही कहावत है कौन बनेगा करोड़पति में, सीखना बंद तो जीतना बंद है ना, तो इस चीज पर आप मेरे को लगता है कि आप मतलब काफी बिलीव करते हैं इस बात को क्योंकि आपने सीखा नया कुछ, तो आप सीखने का समय कैसे आप लेते हैं और क्या करते हैं आप सीखने के लिए आज के डेट? देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं किसी से भी बात करता हूँ, अगर छोटा बच्चा एक होता है ना 5 साल का तो छोटा बच्चा भी होता है, हाँ। तो मैं उससे भी सीखता हूँ, हर चीज मैं सीखते रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि हर पल सेकंड का सबसे छोटा वो होता है कृति होता है, उसके बाद पल होता है, हर पल व्यक्ति को सीखते ही रहना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में हो व्यक्ति, चाहे वो एक्टिंग के क्षेत्र में हो, खेती के क्षेत्र में हो, और अध्ययन के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उसको अपने से सीखते ही रहना चाहिए। और हर क्षेत्र के किसी मोड़ पर जो गुड काम दे ही जाता है, तो मैं कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, और शिक्षा का कोई अंत नहीं है, शिक्षा अनंत है, मेरा तो विचार यही है। नहीं बात सही, एकदम सही बात है। तो आपने मतलब अपना जैसे कि अपना आप आइडल किसको मानते हैं, मतलब किस मतलब इसको समझते हैं कि नहीं भाई ये आपके फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ अमित जी हैं, तो अपना आप जैसे कि अपना आप जैसे कि मैक्सिमम नेगेटिव रोल में आप आते हैं, तो नेगेटिव रोल में आपके फेवरेट एक्टर कौन है? देखिए नेगेटिव रोल में हमारे फेवरेट तो अमरीश पुरी जी थे, अमरीश पुरी जी, हाँ। और उनकी भरपाई मुझे बड़ा दुख हो रहा है, उनका भरपाई नहीं हो सकता है, हाँ उनसे उनका भरपाई नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो नहीं, हाँ क्योंकि वो कैरेक्टर में जान लेके आते थे, मतलब पूरा पिक्चर लगता था कि विलेन ही पिक्चर का हीरो है, इस तरह से लगता था, मतलब इतना पावरफुल रोल था होता था, हाँ, मतलब वो वास्तव में उस कैरेक्टर को जीवंत कर देते थे, एकदम जीवंत कर देते, उस कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाते थे, बिल्कुल उस कैरेक्टर को जीते थे। सही, और इंडस्ट्री आज जो है कि खाली खाली महसूस कर रही है। सही बात, उस गैप को भरना मतलब पॉसिबल, मतलब आज के डेट में बहुत मुश्किल लगता है, मतलब जैसे बहुत ज्यादा मुश्किल। तो आप अपना खाली समय आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है, आप खाली समय में क्या करते हैं ललित जी? मतलब ईश्वर का भजन करता रहता हूँ, गुरु महाराज का ध्यान करता रहता हूँ, मैं तो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, आप देख भी रहे होंगे। हाँ नहीं नहीं सही बात है, बहुत अच्छा लगा बात करके, और मतलब अपने दर्शकों को मतलब और कुछ आप बताना चाहेंगे, जैसे आपने अपने जीवन में बहुत सारा स्टोरी बताया और वो स्टोरी ऐसा है जो मेरे लिए काफी मतलब इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपने कैसे शुरुआत किया और कैसे मतलब वो सपना टूट गया, फिर भी आपने अपने आपको अपने एंगेज रखा, आगे बढ़े, आप मूवी में काम किया, आपने बढ़ते गए। तो और कुछ मतलब दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? या कोई मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, संघर्ष करो, फल की इच्छा मत करो, संघर्ष ही जीवन है, और ऊपर वाला देखता है कि मेरा ये बंदा संघर्ष कर रहा है तो फल तो अवश्य देगा,
इसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। जिस चीज में विश्वास नहीं है वो फायदा भी नहीं करती। जैसे कोई टेबलेट है, अगर उसको आप विश्वास के साथ खा लेंगे तो वो आपको फायदा करेगा। विश्वास नहीं है बिल्कुल फायदा नहीं कर सकती। तो मेरा दर्शकों से और मेरे चाहने वालों से बस यही कहना है कि संघर्ष करो, फल की इच्छा मत करो। ऊपर वाला देखता है, फल 100% ऊपर वाला देगा। सही बात, सही बात। एक विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपका रास्ता भी। और टीम वर्क के बारे में क्या कहना है? मतलब जिसे आपने स्टार्ट किया तो आपके मतलब आपको सपोर्ट करने वाले आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके देखिए टीम वर्क तो मस्ट है, टीम तो होना चाहिए। विदाउट टीम के आज तो कोई आगे नहीं बढ़ पाया है, चाहे व्यापार हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे व्यक्तिगत आपको उनको बढ़ना हो। तो टीम वर्क तो बहुत ही मस्ट है। और टीम ही आपको आगे बढ़ाएगी। और अगर सपोज दैट आपने कोई फैक्ट्री खोली तो उसमें टीम वर्क ही तो होता है जो कि फैक्ट्री का नाम आगे होता है। तो टीम वर्क होना चाहिए। तो इस मतलब अभी शूटिंग जैसे कि मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है, हम लोग नया मूवी नहीं, नया सीरियल नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारा सब लोग घर में लॉकडाउन है। तो उस पीरियड में दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या करें वो सो दैट मतलब वो घबराए नहीं, मतलब क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये है कि अपने को व्यस्त रखें, मस्त रखें, खाली दिमाग मत रखें। खाली दिमाग रखेंगे तो तरह तरह की शंकाएं आएंगी। और आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, आध्यात्मिक किताबें नहीं पढ़ सकते हैं जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो अपनी अपनी किताबें पढ़ें। और व्यस्त रखना बहुत जरूरी है, अपने अब जैसे इसमें कोरोना का वायरस चल रहा है, हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो हम लोग अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ घूमते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो घबराएं नहीं। तो व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। व्यस्त किसी भी तरीके से रखा जा सकता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ करके। और आजकल टीवी में कुछ अच्छे अच्छे धारावाहिक आ रहे हैं उनको देख करके, या और भी घर की साफ सफाई है, जो खेती बाड़ी वाले लोग हैं अपने खेत में जाएं। अब जैसे हम भी जाते हैं, आज सुबह सुबह खेत गया था मैं। बहुत बढ़िया। मैं अपने सुबह सुबह खेत गया था अपने लेबरों के साथ, मैंने देखा भाई यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर वो कमी है। तो व्यस्त रखना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लॉकडाउन का मामला चला, कोरोना का वायरस का मामला चला है, सभी लोग घरों में पैक हैं। और हाँ एक चीज मैं संदेश सबको देना चाहूंगा कि कृपया लॉकडाउन में बाहर ना निकलें किसी भी कीमत पर। बहुत ही जरूरी हो जाना, कभी मार्केट में जाए वो भी 10 मिनट के लिए, जो भी सामान खरीदना हो दुकानदार से कम 1.5 मीटर की दूरी बना करके चले। जैसे ही आए लौट करके तुरंत साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइज करें। तो इस तरीके से बात सही है। बहुत अच्छा लगा ललित जी आपसे बात करके। मतलब मेरा एक्चुअली मैंने आपको मूवी बार बार देखा था, एक मूवी को मतलब कितना बार देखा होगा, अभी भी मैं देखता हूँ आपका मूवी बार बार। बहुत धन्यवाद। और हमेशा आपसे बात करने की इच्छा थी, तो अभी मतलब मेरे लिए फॉर्चुनेट है कि मतलब आप हमारे मतलब दर्शकों के किसी के साथ बात कर पाए, मतलब आपके थ्रू हम दर्शकों तक आपका मैसेज पहुंचाएंगे। और आपका मतलब लाइफ का जो लेसन्स है वो बहुत वैल्यूबल होगा उनके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिचार्ज रखने के लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में, सो दैट वो डिमोटिवेटेड ना हो अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।